पिछले दो लेक्चर्स में हमने आर्क के फॉर्मेशन और आर्क को एक्सटिंग्विश करने के मेथड्स के बारे में डिस्कस किए थे। इस लेक्चर में हम आर्क से रिलेटेड कुछ टर्म्स को डिस्कस करेंगे। पहला है रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज क्या है? द रिजल्टेंट ट्रांजिएंट वोल्टेज व्हिच अपीयर्स अक्रॉस द ब्रेकर कॉन्टैक्ट्स एट द टाइम ऑफ आर्क एक्सटिंक्शन इज नोन एज रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। यानी कि आर्क को एक्सटिंक्श करने के समय सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट्स के अक्रॉस जो ट्रांजिएंट वोल्टेज होता है उसी को रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज कहा जाता है। ट्रांजिएंट वोल्टेज कहने का मतलब है कि ये वोल्टेज टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होते रहते हैं, इसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ साथ चेंज होते रहता है। द आयोनाइजेशन एट करंट जीरो डिपेंड्स अपॉन द रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज बिटवीन द कॉन्टैक्ट्स। यानी कि सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट्स के बीच जो आर्क को एक्सटिंग्विश करते हैं और ये एक्सटिंग्विश करने का काम करंट के जब जीरो होता है उस समय किया जाता है, तो आर्क को फिर से रीस्ट्राइक होने की पॉसिबिलिटी होती है। और यह पॉसिबिलिटी डिपेंड करता है रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज पर, डिपेंड करता है कि रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज कितना है उस पर डिपेंड करता है कि आर्क पुनः रीस्ट्राइक होगा या नहीं होगा। द रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज डिपेंड्स अपॉन द पावर फैक्टर एंड द अदर फैक्टर्स ऑफ द सर्किट लाइक द इंडक्टेंस एंड द कैपेसिटेंस। यानी कि रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज जो है वो पावर फैक्टर पर डिपेंड करता है और सर्किट के कंपोनेंट्स जैसे इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस पर भी डिपेंड करता है। द एक्सप्रेशन फॉर रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज फॉर ए लॉसलेस सिस्टम इज गिवन बाई, यानी कोई किसी लॉसलेस सिस्टम के लिए, यानी अगर हम लॉसेस को नेगलेक्ट करें तो लॉसलेस सिस्टम के लिए रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज का जो एक्सप्रेशन है वो इस फार्मूला के द्वारा दिया जाता है। स्मॉल वी इज इक्वल टू कैपिटल वी इंटू वन माइनस कॉस टी बाई अंडर रूट एल सी, जहाँ स्मॉल वी आपका रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज एट एनी टाइम टी, किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे कितना रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज है वो स्मॉल वी से डिनोट होता है, और आर्क को इंटरप्ट करने के समय जो वोल्टेज है वो कैपिटल वी है। एल आपका सर्किट का इंडक्टेंस है और सी जो है वो सर्किट का कैपेसिटेंस है। वेयर जहाँ स्मॉल वी इज इक्वल टू रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज एट एनी इंस्टेंट टी, किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे जो वोल्टेज है रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज वो स्मॉल वी से उसको डिनोट करते हैं। कैपिटल वी जो है वो है द वैल्यू ऑफ वोल्टेज एट द इंस्टेंट ऑफ इंटरप्शन, जब आर्क को इंटरप्ट किया जाता है उस समय जो वोल्टेज होता है उसको कैपिटल वी से डिनोट किया गया है। L इज इक्वल टू सीरीज इंडक्टेंस अप टू फॉल्ट पॉइंट, फॉल्ट पॉइंट तक जो इंडक्टेंस है ट्रांसमिशन लाइन का या सर्किट का उसको कैपिटल L से डिनोट किया गया है, और जो कैपेसिटेंस है उसको C से डिनोट किया जाता है, यानी कि शंट कैपेसिटेंस अप टू फॉल्ट पॉइंट। द वेरिएशन ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज विथ टाइम इज शोन इन फिगर, यानी कि ये रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज टाइम के साथ वेरी करते हैं, तो उसका वेरिएशन इस ग्राफ में दिखाया गया है। जैसा कि हमने एक्सप्रेशन बताया कि स्मॉल वी इज इक्वल टू कैपिटल वी इंटू वन माइनस कॉस टी बाई अंडर रूट एल सी, ये हमने रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज का एक्सप्रेशन बताया। तो जिस समय कॉस का जो ये कॉस जो है इसका मिनिमम वैल्यू होता है आपका माइनस वन होता है, मिनिमम वैल्यू माइनस वन होता है, तो जिस समय ये कॉस थीटा का वैल्यू मिनिमम होगा यानी माइनस वन होगा उस समय ये वन और ये माइनस माइनस वन मिल के ये आपका हो जाएगा टू भी हो जाएगा, यानी कि ये टू भी हो जाएगा, उस समय रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज आपका मैक्सिमम होगा। जिस समय कॉस टी वाई अंडर रूट एल सी मिनिमम होगा उस समय आपका रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज मैक्सिमम हो जाएगा। और ये मिनिमम किस टाइम पे होगा, यानी कि उस जब
TY under root LC का वैल्यू जिस समय पाई के बराबर हो जाएगा उस समय cos थीटा का वैल्यू cos पाई यानी -1 हो जाएगा, यानी कि t इक्वल टू अगर हम यहां से निकालेंगे तो यहां से t इक्वल टू हो जाएगा पाई इंटू अंडर रूट, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो t इक्वल टू पाई अंडर रूट LC, यानी कि एट t इक्वल टू पाई रूट LC इस समय जो री स्टैकिंग वोल्टेज है वो उसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा, यानी टू टाइम्स ऑफ द वी या उसको VM भी कहते हैं, VM से भी डिनोट करते हैं। तो ये वेव फॉर्म आपका उस एक्सप्रेशन के अनुसार जब टाइम को वेरी करेंगे तो री स्टैकिंग वोल्टेज इस प्रकार से वेरी करता है, और जिस समय टी इजकल टू पाई अंडर रूट LC होगा, इसका इक्वल होगा, उस समय री स्टैकिंग वोल्टेज मैक्सिमम होगा टू, और वो वैल्यू होगा टू टाइम्स ऑफ द VM, यानी टू टाइम्स ऑफ द वी कैपिटल वी। दूसरा है रिकवरी वोल्टेज, द पावर फ्रिक्वेंसी RMS वोल्टेज दैट अपीयर्स अक्रॉस द ब्रेकर कॉन्टैक्ट्स आफ्टर द ट्रांजिएंट ऑसिलेशंस डाइज आउट इज कॉल्ड रिकवरी वोल्टेज। यानी कि रिकवरी वोल्टेज जो है यह पावर फ्रिक्वेंसी का वोल्टेज है, यानी जो हमारा पावर फ्रिक्वेंसी होता है, जो नॉर्मल फ्रिक्वेंसी होता है जिस पर कि हमारा पावर सिस्टम ऑपरेट करता है, उस फ्रिक्वेंसी का ये वोल्टेज होता है, और यह RMS वोल्टेज होता है, यानी कि यह पर्टिकुलर किसी टाइम का वोल्टेज नहीं है बल्कि ये एक साइकिल का जो RMS वैल्यू होता है वो वोल्टेज होता है। इन दोनों वोल्टेज में री स्टैकिंग वोल्टेज और रिकवरी वोल्टेज में यही डिफरेंस है कि जो री स्टैकिंग वोल्टेज है वो ट्रांजिएंट वोल्टेज है, यानी वो किसी पर्टिकुलर टाइम का वोल्टेज है, जबकि रिकवरी वोल्टेज जो है वो एक RMS वोल्टेज है, यानी एक साइकिल का जो RMS वैल्यू होता है वो वोल्टेज है, और ये पावर फ्रिक्वेंसी वोल्टेज है। यानी कि द पावर फ्रिक्वेंसी RMS वोल्टेज दैट अपीयर्स अक्रॉस द सर्किट ब्रेकर कॉन्टैक्ट्स, सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट्स के अक्रॉस जो वोल्टेज पावर फ्रिक्वेंसी का जो वोल्टेज अपीयर होता है उसके RMS वैल्यू को ही रिकवरी वोल्टेज कहा जाता है। आफ्टर द ट्रांजिएंट ऑसिलेशन डाइज आउट, जब ट्रांजिएंट ऑसिलेशन समाप्त हो जाता है उस वोल्टेज उस समय जो सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट्स के अक्रॉस जो वोल्टेज अपीयर होता है उसके RMS वैल्यू को रिकवरी वोल्टेज कहा जाता है, क्योंकि सर्किट में जब आर्क को इंटरप्ट किया जाता है तो उस समय आर्क वोल्टेज में ऑसिलेशन क्रिएट होता है, तो जब ऑसिलेशन जब हमारा समाप्त हो जाता है डाइज आउट जब समाप्त हो जाता है उसके बाद जब वोल्टेज कॉन्टैक्ट्स के बीच अपीयर होता है उसको रिकवरी वोल्टेज कहा जाता है। यह फिगर, इस फिगर में आपको री स्टैकिंग वोल्टेज और रिकवरी वोल्टेज दोनों को शो किया गया है। यह करंट का नेचर शो किया गया है कि जब फॉल्ट होता है उस समय शुरू के कुछ साइकिल्स तक करंट का मैग्नीट्यूड काफ़ी हाई होता है और धीरे धीरे इसका मैग्नीट्यूड धीरे धीरे कम हो जाता है, और फिर आफ्टर समटाइम्स कुछ क्षण के बाद फिर ये स्टेडी स्टेट में पहुंच जाते हैं, नॉर्मल वेवफॉर्म इस ये करंट जो है आपका नॉर्मल हो जाता है। स्टार्टिंग में फॉल्ट करंट का मैग्नीट्यूड काफ़ी ज़्यादा हाई होता है और धीरे धीरे ये इसका मैग्नीट्यूड कम होता जाता है, और जिस समय फॉल्ट होता है उस समय शॉर्ट सर्किट होने के कारण वोल्टेज आपका जीरो होता है शॉर्ट सर्किट होने के कारण, और जब इसको जब आर्क इंटरप्ट होता है जब सर्किट ब्रेकर का कॉन्टैक्ट ओपन होता है उस समय दोनों कॉन्टैक्ट्स के बीच में आपको आर्क वोल्टेज क्रिएट हो जाते हैं जिस जो कि ये आपको दिखाया गया है, और उसके बाद जब आर्क को इंटरप्ट किया जाता है तो जब आर्क को इंटरप्ट किया जाता है तो उस समय जो वोल्टेज होता है उसको री स्टैकिंग वोल्टेज कहते हैं, जिसको कि इस फिगर यहाँ पर दिखाया गया है, और जब ऑसिलेशन जब समाप्त हो जाता है उसके बाद जब हमारा वोल्टेज नॉर्मल हो जाता है तो उसको रिकवरी वोल्टेज कहते हैं, और उसको इस ये वाला पार्ट आपको रिकवरी वोल्टेज को शो कर रहा है। तीसरा जो टर्म है आर्क से संबंधित वो है रेट ऑफ राइज ऑफ री स्टैकिंग वोल्टेज, जिसको कि ट्रिपल आर भी कहते हैं। तो जैसा कि इसका नाम से पता चल रहा है रेट ऑफ राइज ऑफ री स्टैकिंग वोल्टेज, यानी री स्टैकिंग वोल्टेज जो है वो किस रेट से राइज करता है उसी को रेट ऑफ राइज ऑफ री स्टैकिंग वोल्टेज कहते हैं। द रेट एट विच द री स्ट्राइकिंग वोल्टेज राइजेज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आर्क एक्सटिंक्शन प्रोसेस, यानी आर्क के को एक्सटिंक्ट करने के प्रोसेस में आपका री स्ट्राइकिंग वोल्टेज किस रेट से राइज करता है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है,
because the ionization process will depend upon the rate, this rate. यानी कि आर्क को इंटरप्ट करने के बाद, जब आर्क को इंटरप्ट करते हैं उसके बाद फिर से आर्क आपका वो री स्ट्राइक करता है, फिर से वो डेवलप हो जाता है, और फिर से वो डेवलप होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करता है आपका री स्ट्राइकिंग वोल्टेज पे ही डिपेंड करता है, री स्ट्राइकिंग वोल्टेज के रेट पे डिपेंड करता है कि किस रेट से राइज हो रहा है. इसलिए रेट ऑफ राइज ऑफ री स्ट्राइकिंग वोल्टेज इज वेरी इम्पोर्टेंट. Therefore, it is found that if rate of rise of re-striking voltage is smaller than the rate at which dielectric between the contacts is developed, the arc will be extinguished. यानि कि rate of rise of re-striking voltage, जिस rate से आपका re-striking voltage rise कर रहा है वो अगर small है, smaller है किसके तुलना में, circuit breaker के contacts के बीच जो dielectric हैं, जो मीडियम है वो किस रेट से डेवलप हो रहे हैं, जिस रेट से डाई इलेक्ट्रिक डेवलप हो रहा है उससे अगर री स्ट्राइकिंग वोल्टेज जो राइज हो रहा है उसका रेट अगर कम है तो आपका जो आर्क है वो एक्सटिंग्विश हो जाएगा, ये दोबारा री स्ट्राइक नहीं करेगा, अदरवाइज द आर्क विल फर्दर री स्ट्राइक. और अगर यदि ट्रिपल आर भी यानी रेट ऑफ राइज ऑफ री स्ट्राइकिंग वोल्टेज अगर डाई इलेक्ट्रिक जो डेवलप हो रहे हैं उसके रेट से अगर ज़्यादा है रेट ऑफ राइज ऑफ री स्ट्राइकिंग वोल्टेज, तो आर्क फिर से री स्ट्राइक करेगा, फिर से वो आर्क आपका फिर से डेवलप हो जाएगा. अब हम लोग एक्सप्रेशन देखते हैं कि रेट ऑफ राइज ऑफ री स्ट्राइकिंग वोल्टेज का एक्सप्रेशन क्या है. तो हम लोग जानते हैं कि जो री स्ट्राइकिंग वोल्टेज है उसका एक्सप्रेशन होता है स्मॉल वी इज इक्वल टू वी एम इंटू वन माइनस कॉस टी वाई अंडर रूट एल सी. इस वी को यहाँ पे पिछले बार हम वी लिखे थे, यहाँ पे उसको हम वी एम से डिनोट किया गया है. तो ये आपका री स्ट्राइकिंग वोल्टेज का एक्सप्रेशन है. तो रेट ऑफ राइज ऑफ री स्ट्राइकिंग वोल्टेज निकालने के लिए इसका डेरिवेटिव किया जाता है, इस वोल्टेज को डेरिवेटिव करेंगे यानी डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो इसको रेट ऑफ राइज ऑफ री स्ट्राइकिंग वोल्टेज कहेंगे, डी वी बाई डी टी को रेट ऑफ राइज ऑफ री स्ट्राइकिंग वोल्टेज करेंगे, और जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको वी एम बाई अंडर रूट एल सी साइन टी वाई अंडर रूट एल सी होगा. जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इस एक्सप्रेशन को जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको ये एक्सप्रेशन मिलेगा. तो ये जो एक्सप्रेशन है यही आपका रेट ऑफ राइज ऑफ री स्ट्राइकिंग वोल्टेज का एक्सप्रेशन है, और यह एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को देखने से ये आपको पता चल रहा है कि रेट ऑफ राइज ऑफ री स्ट्राइकिंग वोल्टेज ये मैक्सिमम तब होगा जब साइन थीटा का जो वैल्यू है, साइन के अंदर जो टर्म है, ये वैल्यू अगर वन हो जाएगा, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू वन होता है, तो ये वाला टर्म अगर वन हो जाएगा जिस समय, उस समय आपका रेट ऑफ राइज जो है वो मैक्सिमम होगा. तो मैक्सिमम इसको होने के लिए साइन के अंदर जो एंगल है उसको मैक्सिमम होने के लिए पाई बाई टू के इक्वल होना होगा, यानी टी वाई अंडर रूट एल सी इसका वैल्यू जिस समय पाई बाई टू के इक्वल हो जाएगा उस समय आपका जो ये रेट ऑफ राइज है ये मैक्सिमम हो जाएगा. यानी कि यहाँ से हम अगर टाइम निकालना चाहें तो टी इजकल टू हम पाई रूट एल सी बाई टू, यानी टी इजकल टू पाई रूट एल सी बाई टू इस टाइम पे जो रेट ऑफ राइज है वो मैक्सिमम होगा. और मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करने के लिए, क्योंकि इसका मैक्सिमम वैल्यू वन होगा, तो ये जो आपका स्टार्टिंग में जो टर्म है वी एम बाई अंडर रूट एल सी यही आपका मैक्सिमम रेट ऑफ राइज ऑफ री स्ट्राइकिंग वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू वी एम बाई अंडर रूट एल सी है. यानी कि ट्रिपल आर भी जो है वो मैक्सिमम होगा जब टी बाई अंडर रूट एल सी इज इक्वल टू पाई बाई टू, जब साइन थीटा का टर्म पाई बाई टू के इक्वल हो जाएगा, साइन के अंदर जो एंगल है, उस समय आपका ये एक्सप्रेशन मैक्सिमम होगा, रेट ऑफ राइज मैक्सिमम होगा. यहाँ से हम टी का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा पाई बाई टू अंडर रूट एल सी. और रेट ऑफ राइज ऑफ री स्ट्राइकिंग वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, जब हम
साइन थीटा इज इक्वल टू वन होगा तो उस समय आपको मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा वी एम बाई अंडर रूट एल सी। अब हम लोग जानते हैं कि एवरेज रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्टैकिंग वोल्टेज इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसका एवरेज वैल्यू निकालने के लिए पीक वैल्यू ऑफ द रीस्टैकिंग वोल्टेज बटा टाइम टेकन टू रीच टू पीक वैल्यू, यानी रीस्टैकिंग वोल्टेज का पीक वैल्यू और उस पीक वैल्यू को पहुंचने में जो टाइम लगेगा, उन दोनों के रेशियो से हमें एवरेज रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्टैकिंग वोल्टेज पता चलेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू आपका जो है वो 2 VM और मैक्सिमम वैल्यू पहुंचने में जो टाइम लगता है वो पाई रूट एल सी। तो आपका जो एवरेज ट्रिपल आर वी है वो हो गया 2 VM बटा पाई रूट एल सी। अब हम लोग जानते हैं कि करंट चॉपिंग क्या होता है। द ब्रेकिंग ऑफ करंट बिफोर इट पासिस थ्रू द नेचुरल जीरो इज टर्म्ड एज करंट चॉपिंग, यानी कि जब फॉल्ट करंट को जब इंटरप्ट करते हैं और उसको नेचुरल जीरो पर पहुंचने के पहले ही अगर करंट को इंटरप्ट किया जाता है, ब्रेक किया जाता है, तो इस प्रोसेस को ही चॉपिंग कहा जाता है। अगर करंट चॉपिंग होता है तो उसमें आपको आर्क को रीस्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो इस लेक्चर में हमने आर्क से रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कस किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।